अस्सलाम वालेकुम, हमको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा तो जिले आपके फ्रेंड समी किधर गए? वो एकदम से गायब हो गए हैं, कुछ अता पता है आपको उनका? ईमेल का भी रिप्लाई नहीं करते। ओहो अच्छा, लगता है कोई मसला हो गया उनका। चले अल्लाह मियां खैर करें। तो जिले आपने कल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे खुद से? अच्छा वो रिपोर्टिंग का लेक्चर ले रहे हैं, तो हो सकता है वो ऑडिट ना पढ़ना चाहते हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अगर उनको कोई मसला आ रहा है तो वो मसला डिस्कस कर लें। नहीं पढ़ना चाहते तो वो इशू नहीं है। वालेकुम अस्सलाम सरफराज। सरफराज पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि कल आप ऑडिट के लेक्चर में किधर गए थे? कल मैंने आपको ऑडिट के लेक्चर में नहीं देखा। अच्छा जिले आपके टेस्ट भी चेक हो जाएंगे, पहले आप रोज रोज की असाइनमेंट्स तो करें। अच्छा सरफराज कौन सी फर्म में हुई आपकी आर्टिकलशिप? मुझे फर्म का नाम नहीं समझ आया, ये कौन सी फर्म है? और सरफराज आपके अच्छा अगर सरफराज की हुई है ये फ्रेंड कौन सी फर्म है, और अगर सरफराज की हुई है तो फिर आप कौन है? और सरफराज की जब होती है फर्म में अच्छा फजल, तो सरफराज फिर कैसे लेते हैं? वो पढ़ ही नहीं रहे या क्या कर रहे हैं फिर? अच्छा तो फिर सरफराज कैसे पढ़ते हैं या कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं फिर सरफराज? और उन्होंने इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दिया आर्टिकलशिप? नहीं कल वो ऑडिट के लेक्चर में नहीं थे, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो कल ऑडिट के लेक्चर में नहीं थे। और दूसरा उनको आर्टिकलशिप करने की क्या जल्दी है, पूरी जिंदगी नौकरी तो करनी है। ठीक है अच्छा तो सरफराज का सिर्फ ऑडिट रहता है? सही। अच्छा तो पहले भी सरफराज की जगह आप आते थे, नाम सरफराज का आता था लेकिन आप पढ़े होते थे। नहीं टैक्स में कौन आता होता है? अच्छा फिर आपको ये चाहिए कि टैक्स में, इसका मतलब जो टैक्स की असाइनमेंट्स मुझे आती हैं वो आपकी तरफ से आती हैं? अच्छा तो आप सरफराज का ईमेल एड्रेस कैसे यूज करते हैं, शेयर करते हैं ईमेल एड्रेस, या आपने उसके नाम से एक ईमेल एड्रेस बनाया? चले गुड हो गया फजल। अच्छा तो हम आज के लेक्चर में अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि बाकी लोग इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है तो हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने चीजें पढ़ी थी, कल हमने कॉम्प्यूटेशन पढ़ी थी और फिर कॉम्प्यूटेशन की प्रैक्टिस हमने नहीं की बहुत से लोगों ने। ठीक है जी गुड हो गया, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि जिले सुभानी और समी की तरह सरफराज और फजल भी
एक दूसरे के लॉगिन यूज करके पढ़ते हैं आपस में, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आपस में शेयरिंग करते हैं, दैट्स वेरी नाइस। तो दूसरी बात ये कि अपनी असाइनमेंट्स प्लीज टाइम पे करें, ठीक है। ठीक है जी, असाइनमेंट इसलिए टाइम पे करें क्योंकि जिले आपके टेस्ट बेशक आपको टाइम पे मिले या ना मिले, असाइनमेंट टाइम पे मिले या ना मिले, उनका पर्पज ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। गलतियां तो हम एंड तक डिस्कस कर लेंगे, चीजें इंप्रूव कर लेंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन कल का लेक्चर जो लेक्चर है साथ साथ, तो फजल आप कौन कौन से पेपर दे रहे हैं? अच्छा फजल आप कौन कौन से पेपर्स दे रहे हैं? अच्छा आप रिपोर्टिंग पढ़ते हैं और टैक्स पढ़ते हैं, सही है। दोनों तकरीबन दोनों न्यूमेरिकल के पेपर हैं। अच्छा सरफराज, फजल मैं आपसे ये कहूंगी कि FAR2 जो है वो सेल्फ स्टडी ना करें, ठीक है। आप बेशक पैट से ना पढ़ें, आप कहीं और से पढ़ लें, लेकिन खुद से मत पढ़ें। रिपोर्टिंग कभी भी खुद से नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कल बेसिकली हमने डिस्कस किया था फेयर मार्केट वैल्यू, हमने डिस्कस किया था सेल्फ हायरिंग पे जो हमें इश्यूज आ रहे थे, और फिर हमने न्यूमेरिकल देखे थे कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, अच्छा आप कौन से ऑफिस में कब तक होती हैं, आपकी ऑफिस टाइमिंग्स क्या है, आप भी आर्टिकलशिप कर रहे हो? अच्छा आर्टिकलशिप कर रहे हो आप, क्योंकि अच्छा आर्टिकलशिप में तो हाँ क्योंकि ज्यादा टाइम होता है, ठीक है जी। तो मैं ये देख रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अक्सर वही लोग ले रहे हैं जो साथ साथ नौकरियां भी कर रहे हैं, तो आप लोग काबिले रश्क हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सरफराज अगर आप 2 बजे भी फ्री होते हो, उससे पहले आप फ्री नहीं भी होते, ठीक है, तो अगर आप रिपोर्टिंग की क्लास नहीं भी टाइम पे ले सकते, तो उसका तो आसान सा हल है कि आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लोगे तो उसका फायदा आपको ये होगा कि अगर कोई भी आपको डिफिकल्टीज हैं तो वो अपने टीचर को ईमेल कर दिया करो, टीचर से बाद में पूछ लिया करो, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी मत करो रिपोर्टिंग की, कहीं से अगर शाम की क्लासेस मिलती हैं तो शाम की क्लासेस ले लो, लेकिन क्लासेस जरूर लो। और कुछ नहीं है तो कम अज कम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, असल लेक्चर्स में नहीं भी अगर आ सकते टाइम पर तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब, अच्छा आपने इसका पेपर पहले दिया हुआ है, चलें सही है, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल था आप शायद पहली मरतब पढ़ रहे हैं, तो पहली तो मेरी दरखास्त है कि 3 बज गए, आज हमारी क्लास शुरू होनी थी 2:45 पे, लेकिन अभी तक हमारे बच्चे ही इकट्ठे नहीं हुए, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से पेपर में सॉल्व करने हैं, फिर हमने फेयर मार्केट वैल्यू करी थी, सेल्फ हायरिंग की कंफ्यूजन अब दूर की थी अपनी, फिर हमने पढ़ा था कि अगर कुछ और भी पर्क्स होते हैं, जैसे अगर ऑब्लिगेशंस आपकी एम्प्लॉयर माफ कर दे या सेटल कर दे, अगर आपको लोन दे कंसेशनल रेट पर, या आपके लोन पर इंटरेस्ट ना ले, ठीक है, जिले में इसका जवाब देती हूँ आपको, अगर आपके लोन पे कंसेशनल रेट दे या लोन पे कोई इंटरेस्ट ना ले तो फिर पर्क होता है, अगर वो आपको एक प्रॉपर्टी देता है, कुछ सर्विसेज देता है या कोई भी और पर्क्स हैं तो वो आपकी सैलरी में आते हैं। और फिर कल हमने पेंशन के बारे में पढ़ा था कि पेंशन किन किन लोन की एग्जेम्प्ट होती है, फिर हम आए थे कल मुश्किल टॉपिक पे प्रोविडेंट फंड के, तो आज हम प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं। हाँ जी बेहतर यही है फजल कि आप अपने ईमेल आईडी से करें, ताकि अगर मैंने आपको कुछ भेजना होता तो मैं सिर्फ राज को सिर्फ ना भेजूं, मुझे पता हो कि मैंने आपको ही कम्युनिकेट किया।
तो दिल्ली का क्वेश्चन है कि इफ अ कंपनी अर्न्स रेवेन्यू इन जो 90% एक्सपोर्ट बेस्ड है और 20% जो है वो लोकल सेल्स है, तो फिर किस रिजीम में कंपनी फॉल करेगी। तो जिले पहली बात तो ये कि वैसे तो कंपनीज हमारे सिलेबस के एम्बिट में नहीं आती, ठीक है। तो अब 90% इसकी एक्सपोर्ट बेस है, 20% उसकी लोकल सेल्स है, ठीक है। तो ये दोनों में जाएगी, एनटीआर में भी जाएगी, एफटीआर में भी फॉल करेगी उसकी इनकम, ठीक है। हाँ जी, 20% नहीं होगी, 10% होगी। तो मेरे मुताबिक तो दोनों में, एनटीआर और एफटीआर दोनों में फॉल करेगी। ये क्वेश्चन मैं आपका नोट कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल कंफर्म करके इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं फजल कि आप पुराने लेक्चर्स ले रहे हैं साथ साथ, और जिले आप साथ साथ पुराने लेक्चर्स ले रहे हैं? चलें जी, गुड हो गया। अब प्रोविडेंट फंड पे हमने कल ये पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड में तीन तरह की टाइप्स थी। एक तो गवर्नमेंट का था, रिकग्नाइज था और अनरिकग्नाइज था। जो गवर्नमेंट के थे उनमें तो हमने देखा था कि सारी चीजें एग्जेम्पशन है सब चीजों में। अनरिकग्नाइज में भी हमने ये पढ़ा था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ जब सारे के सारे एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस आपको एंड में मिलते हैं। तो अगर तो आपका रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर रेकग्नाइज नहीं है तो फिर टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में वो रिसीव होगा। और फिर थोड़ा सा मुश्किल ट्रीटमेंट था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के, और इंटरेस्ट का रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के, कि जो एम्प्लॉयर की एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो अगर लाख रुपया है, मैक्सिमम लिमिट है कि या तो लाख रुपया होनी चाहिए या फिर 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस होनी चाहिए, विच एवर इज लोअर। और जो एनुअल इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, कितनी लिमिट तक, 16% इंटरेस्ट रेट ऑन एक्युमुलेटेड बैलेंस या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए वो यूजली आपसे रेकग्नाइज का पूछेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। वो आपसे हमेशा जैसे ग्रेच्युटी में वो मुश्किल वाला सवाल पूछता है ज्यादातर, इसी तरह से यहाँ पर भी वो आपसे मुश्किल वाला पूछेगा। तो हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम सैलरी में आज प्रोविडेंट फंड से शुरू कर रहे हैं, और ये साथ साथ प्लीज मेरे बनाते जाए। पहली एक्सरसाइज में मिस्टर असद और मिस्टर आलमगीर जो है वो फजल की तरह और क्या कहते हैं सरफराज की तरह क्लोज फ्रेंड्स हैं, और वो दो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ईयर उनको कितनी इनकम मिली है, सैलरी मिली है उनको इतनी और इतनी, रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन मिली है इतनी और इतनी, जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होती। और फिर वो आपको बताते हैं कि उनको इंटरेस्ट कितना मिला है, तो इतना इंटरेस्ट उनका क्रेडिट हो गया है उनके प्रोविडेंट फंड के बैलेंसेस में। तो इंटरेस्ट रेट वो बता रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के लिए 16% है मिस्टर असद का, लेकिन 20% है मिस्टर आलमगीर का। और मिस्टर असद को लग रहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे 2015 में, हालांकि जो उनके दोस्त हैं वो 2016 में होंगे रिटायर। तो हमने 2014 के टैक्स ईयर के लिए यानी 30th जून 2014 के लिए बताना है कि इन दोनों की टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो मैं आपको दोबारा ये कहूंगी कि बुक में वो जगह सेव करता है, तो बुक में वो इस तरह से कॉम्पिटिशन करता है कि मिस्टर असद और मिस्टर आलमगीर के दो कॉलम्स हैं। आपने कभी भी पेपर में या खुद से भी प्रैक्टिस करते हुए ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी, और बुक में जितनी भी एक्सरसाइज होंगी एग्जाम लीव्स के लिए और टेस्ट के लिए और मिड टर्म्स के लिए, वो एक्सरसाइजेस सिर्फ पढ़ नहीं लेनी, उनका सोल्यूशन सिर्फ समझ नहीं लेना, पहले खुद से सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम लीव में सबसे बड़ी गलती होती है कि आप पास पेपर सिर्फ देख के उनका सोल्यूशन देख लेंगे, हाँ सोल्यूशन ऐसे होता है। जब खुद से नहीं करेंगे तो पेपर में भी नहीं करना आएगा।
तो प्रोविडेंट सैलरी तो सीधी सीधी आ गई 240,000 और 320,000। अब प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन में उसने हमें बोला था कि हम दोबारा से वो पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था ताकि हमें क्लियर हो जाए कि लिमिट है एम्प्लॉयर के एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन में, लोअर लेना है हमने। किसका लोअर लेना है? 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस या फिर 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो हम यहां पर हम देखते हैं रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उन्होंने 35,000 लेस 24,000, यानी के 24,000 क्या है, 10% है उनकी बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 10% है 240,000 का, क्योंकि हमने लोअर लेना है। किसका लोअर लेना है? 100,000 का और 10% ऑफ बेसिक सैलरी का। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है 24,000 और दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास लाख रुपया, तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 24,000 कम है, तो हम 24,000 तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है। जो भी लोअर था उतना एग्जेम्प्ट है, तो उतना हमने माइनस कर दिया और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो गई। इसी तरह से यहां पर भी 32,000 लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो हम माइनस कर देंगे और 4,000 रुपए हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और फिर वो इंटरेस्ट का बता रहा है, तो इंटरेस्ट में भी उसने यही बताया था आपको। इंटरेस्ट में भी हम देख लेते हैं ऊपर क्या था हमारी, कि हमने लोअर लेना था 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। तो पहले आप कंप्यूट करेंगे कि लोअर कौन सा है, ठीक है जी। तो लोअर इस केस में अगर हम लें, हमारे पास 1/3 ऑफ, यहां पर उसने बड़ी लंबी सी कॉम्पिटेशन कर दी है, तो आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, आपने पेपर में ये जो वर्किंग्स हैं सेपरेटली करनी है। पहले वो जो ऊपर वाला है उसका लोअर ऑफ कैलकुलेट करना है, लोअर ऑफ 100,000 एंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये दोनों कैलकुलेशन करके फिर ये फिगर यहाँ पर लिखना है पेपर में। पेपर में नीचे वर्किंग आनी चाहिए इसकी, और इन इन वैल्यूज के साथ आपने लिख देना है कि ये वर्किंग वन में जाके देख लें, ये वर्किंग टू में जाके देख लें कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। अब वो कहता है 35,000 जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड में उनका, तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है। उनका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 1,00,000 और 45,000। और ऊपर प्रोविडेंट फंड में हमने ये पढ़ा था कि 16% ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस तो आसान है, हम 1/3 अगर लगाएं 240,000 का तो वो सीधा सीधा 80,000 निकलता है। और फिर यहां पर इसने इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड में भी लोअर ऑफ 100,000 और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी लिया, ठीक है। और दूसरे केस में भी उसने 45,000 के अमाउंट लिए और लोअर ऑफ 36,000 लिया, यानी के 45,000 को 20% से डिवाइड करके 16% से मल्टीप्लाई किया है, या फिर रुपीज, ये तो सैलरी का सीधा सीधा 1/3 ले लिया आपने, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि क्योंकि इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है एग्जेम्प्ट होता है अप टू 16% ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो उसने ये कैलकुलेशन इस वजह से किया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो गई है क्योंकि उसने एकदम से ही बहुत ज्यादा वैल्यूज डाल दिए, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सीडिंग 1/10 ऑफ सैलरी वो तो टैक्सेबल है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। ऊपर प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन में तो हमने निकाल लिया कि 35,000 और 36,000 की अमाउंट जो थी, 35,000 और 36,000 की अमाउंट क्वेश्चन में उसको क्रेडिट हुई थी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है जी। तो इसमें से तो हमने लोअर ऑफ देख लिया 100,000 और जो दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। और फिर
जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड का लाख रुपए का, ठीक है, और जो 45,000 है, तो ये लाख रुपया और ये 45,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन हुई तो ठीक है, लेकिन समझनी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन चल रही है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड में उसने कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं ली, एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि उसने कहा है कि लोअर ऑफ रुपीज 100,000 लेंगे आप, या फिर ये वाली चीज तो हमें समझ लग गई, 240,000 इंटू वन थर्ड और 320,000 इंटू वन थर्ड, तो हम इसको टिक ऑफ कर लेते हैं कि हमें ये पार्ट समझ लग गया अपना, वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ये तो हो गया। फिर 16% इंटरेस्ट रेट अगर लगे एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 16% एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे कैसे लगाता है वो। इसको हम काट देते हैं, ये हमारे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन है, इसको हम देख चुके हैं। तो अब इनको 100,000 मिला था और 45,000 मिला, तो उन्होंने लोअर लेना है 106667 जो है वो अमाउंट हमने ले, वो हम ले सकते हैं, या फिर 45,000 पे उसने बताया था कि इन जो मिस्टर आलमगीर थे उनका इंटरेस्ट रेट था जी 20%, ये वाला, ये 20% का रेट आ रहा था उनका, तो उन्होंने 45,000 डिवाइड बाय 20% इंटू 16% उसका निकाला है, वो 36,000 बनता है और रुपीज 106667 बनते थे, ठीक है। तो उन्होंने 45,000 में से जब लोअर ऑफ माइनस किया है 36,000 की अमाउंट, तो फिर तो वैल्यू आनी चाहिए थी 45,000 में से, जब आप 36,000 माइनस करते हैं, देखिए जो एक्चुअल आया था इंटरेस्ट आपको, वो आया था इस केस में लाख रुपए आया था और इस केस में आपको इंटरेस्ट आया था 45,000, और फिर आपने लोअर निकालना था वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी, तो वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी था 106667, ये मैं लोअर और हायर वाली गलत तो नहीं पढ़ी, हायर तो नहीं बोला था उसने, नहीं उसने लोअर बोला हुआ है कि इसमें से जो भी कम वैल्यू होगी वो आप माइनस कर दें। तो अब 45,000 में से या तो हम 10667 माइनस करेंगे, या फिर हम कितना माइनस करेंगे, हम 36,000 माइनस करेंगे, तो लोअर इनमें से 36,000 है, जब आप 36,000 माइनस करते हैं तो 9,000 की वैल्यू आती है, और ऊपर वाले केस में आपके पास 100,000 की अमाउंट थी और आपने लोअर लेना है वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 80,000, या तो आप 80,000 की अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है जी, या तो आपके 80,000 की अमाउंट माइनस करेंगे जो लोअर है वन थर्ड का, या फिर आप, आपने ये देखा कि वो ऑलरेडी 16% पे ही उनको इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है प्रोविडेंट फंड में मिस्टर असद के, वो 16% के रेट पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्योंकि ऑलरेडी 16% के रेट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये बताया गया कि 16% तक का अगर आपका रेट है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्योंकि ऑलरेडी 16% पे ले रहे हैं और उन्होंने कंपेयर करना है 16% ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस और वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी यानी कि 80,000 को, तो उनको 16% ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस मिला है लाख रुपया, ठीक है जी, जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड में उनके, वो लाख रुपया बना है 16% पे, और जो वन थर्ड ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है वो उनका 80,000 है, तो इस केस में भी 100,000 क्योंकि लोअर नहीं है, 80,000 लोअर है, तो 80,000 तक की अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए और 20,000 तक की अमाउंट टैक्सेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। और फिर
दूसरे केस में भी 9000 की अमाउंट टैक्सेबल होनी चाहिए थी एज पर आवर सोल्यूशन। तो या तो ऊपर टैक्स की बात खराब है या तो वो हायर ऑफ था, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ये मैं आपको कल चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर हम टैक्स की प्रोविजंस को यूज करें तो ये सोल्यूशन नहीं बनता। पहली बात तो ये कि यहां पर थर्टी फाइव थाउजेंड की अमाउंट ही नहीं आती, क्योंकि 35,000 का यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, जो 20% वाला है उसको तो हम कन्वर्ट करके ले रहे हैं ना ऑलरेडी, इसको तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। देखें, जो ये वाला था इसको तो हमने ऑलरेडी 16% पे कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमने लोअर ऑफ लेना है 16% या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी लेनी है। तो 45,000 जो था वो 20% था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया है 16% पे, ठीक है। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया अपना 36,000 और 10667, तो टोटल अमाउंट उनको क्योंकि 45 मिली थी तो उन्होंने इतना लोअर ऑफ उनको एग्जेम्प्ट था, तो 9,000 तो लेकिन उन्होंने पे करना है ना, क्योंकि 45 में से 36 की अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो 9,000 की अमाउंट तो उनकी टैक्सेबल होनी चाहिए थी अगर हम लोअर ऑफ लें। अगर हम हायर ऑफ लेते तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं था, ठीक है। अगर हम हायर ऑफ लेते तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं था। आप एक सेकेंड वेट करेंगे कि मैं साथ साथ इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस खोल लूं, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ लें कि लोअर ऑफ लेना है या हायर ऑफ लेना है, कि हमारी किताब में या तो सोल्यूशन गलत है या हमारी किताब में ये सेक्शन गलत है, ठीक है जी। तो मैं साथ साथ ये सेक्शन खोल लूं अपने पास, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर जी, हम साथ साथ गूगल कर लेते हैं। तो जी जिले कह रहे हैं कि किताब में ऊपर ऊपर गलत लिखा हुआ है और सही होगा, इसी वजह से सोल्यूशन में दोनों निल आ रहे हैं, क्योंकि हमने हायर ऑफ वैल्यू अगर माइनस करें तो फिर निल वैल्यू आती है। तो हम गूगल कर लेते हैं प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो हम साथ साथ इसको भी गूगल कर लेते हैं ताकि हमें इसका ट्रीटमेंट पता चल जाए। तो जिले हम प्राइवेट नोट्स पर रिलाई नहीं करते, हम एक्चुअल केस देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमारा। इसको हम ओपन कर लेते हैं अभी। एक और जो हमारी निकली थी वो ज्यादा बेहतर थी सर्च। इसमें हम सर्च करते हैं जी प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये स्केड्यूल्स निकल आए हैं प्रोविडेंट फंड के, क्योंकि ऑर्डिनेंस में ये काफी लंबी कहानी लिखी हुई होगी, ये छोटी सी नहीं लिखी हुई होगी जैसे आप ये देख रहे हैं। तो हम छोटी कहानी ढूंढने की कोशिश करते हैं गूगल पे। अच्छा, ये पाकिस्तान का नहीं निकला। चले जी, ये पॉइंट हम, अच्छा ऐसा करते हैं हम कि हम बजाय कि मजीद टाइम अपना जाया करें इस लेक्चर का, सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ लग गई है। कैलकुलेशन मैं दोबारा से सिंप्लीफाई कर देती हूं।
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो समझ लग गई आप लोगों को, ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका ट्रीटमेंट तो आपको समझ लग गया ना, कि जो एक्चुअल है उसमें हम लोअर देख लेते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल वाला है उसमें हम लोअर देखते हैं 100,000 का और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो ये वाला तो आप लोगों को समझ लग गया सब लोगों को जी, कि हमने एक्चुअल में से लोअर देखा पहले कि 100,000 लो है या फिर 1/10 लो है। तो हमने दोनों केसेस में देखा कि 100,000 लो नहीं था, 1/10 लो था। तो ये तो सबको समझ आ गया कि इतनी अमाउंट हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो इतनी अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। ये सब मुझे कंफर्म कर दें कि ये सब लोगों को समझ लग गया। अब जो दूसरा केस था उसमें आपने सोल्यूशन में इस 35,000 को इग्नोर कर देना, ठीक है, आपने इस सोल्यूशन में इस 35,000 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये 35,000 की वैल्यू, अच्छा बुक आपकी बुक में हायर ऑफ है, आपकी स्टडी टेक्स्ट में हायर ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि आपकी स्टडी टेक्स्ट में हायर ऑफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ये टेबल मैंने उठाया है ये आपकी स्टडी टेक्स्ट से ही उठाया हुआ है, तो प्रॉबेबली मेरे वाला जो वर्जन है उसमें लोअर ऑफ है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हायर ऑफ है, ठीक है जी। अगर हम हायर ऑफ लें तो फिर हमारा सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो जो मेरे पास बुक का वर्जन है, अच्छा आईकैप की साइट पे जी नई बुक अपलोड हुई है, तो ये सारे जो मेरी तरह बेचारे पुराने लोग पुरानी बुक से देख रहे हैं वो ये नोट कर लें। तो इस कैलकुलेशन को वैसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपने ये करना है कि अपनी बुक पे इस कैलकुलेशन को काट के एक सफा लगाकर या इस पेज के एंड में या शुरू में वो कैलकुलेशन दिखानी है, कि दूसरे केस में आपने लेना है कि या तो हायर ऑफ 16% आप लेते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस का, या आप हायर ऑफ लेते हैं 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का। तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन जो बनती है वो ये बनती है कि अगर हम उसको एक्चुअल बैलेंस मिला है, पहले बंदे को मिला था 100,000, दूसरे को मिला था 45,000, ठीक है। अब हमने हायर लेना है दो वैल्यूज का, पहली वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने 16% निकालना है एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। तो उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि ये जो 100,000 था ये ऑलरेडी 16% ही था, ठीक है, क्योंकि इन हजरत को 16% पे टैक्स 16% पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो हमें ये पता है कि ये 100,000 ही 16% है, और दूसरे केस में वो कह रहा है कि हम 1/3 निकाल लें बेसिक सैलरी का, तो वो 80,000 बनता है। तो क्योंकि हायर ऑफ ये अमाउंट है और क्योंकि ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं, तो निल अमाउंट जाएगी आपकी टैक्सेबिलिटी में, ठीक है। फिर दूसरे केस में 45,000 आ गया, इसमें भी आप हायर देखेंगे किसका, पहले आप देखेंगे 16%। तो उसने कहा है कि इनको टैक्स, ये जो 45,000 का इंटरेस्ट मिला है ये 20% पे था, तो आप कन्वर्ट कर लें इसको, आप प्रोपोर्शनली निकाल लें कि अगर 45,000 20% है किसी चीज का तो उसका 16% कितना होगा। उसका 16% निकला था हमारा 36,000, और वो कैसे निकलता है, वो पता नहीं इसको इकाई का टेबल बोलते हैं या यूनिटरी मेथड बोलते हैं, कि आपने सिंपली 45,000 को डिवाइड कर देना है 20% पे, आपको पता चल गया ऐसा कि 1% पे कितना निकलेगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें 16% पे कितना बनता है, तो वो 36 बनता है। और फिर उन्होंने जब 1/3 निकाला सैलरी का तो वो बना उनका 106,667, ऐसी कोई अमाउंट थी। तो इसमें हायर ऑफ जो थी वो एग्जेम्प्ट थी, तो हायर ऑफ 106,667 बनता है, तो 106,667 ऑलरेडी 45,000 से ज्यादा है, यानी कि उनको पूरा का पूरा 45,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन अपने पास अपनी आसान जुबान में, अगर आपको मेरा सोल्यूशन भी नहीं पसंद तो आप अपनी आसान जुबान में सोल्यूशन जो भी आपको समझ लगे बाद में वो करें, क्योंकि यहाँ पे ये 35,000 का फिगर गलत है, ठीक है, लोअर ऑफ और 100,000 गलत है। तो कल फजल ने या सरफराज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आईकैप के सोल्यूशन का, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आईकैप का भी एक सोल्यूशन गलत है, वो पूरा गलत नहीं है,
शायद उन्होंने जहां से क्वेश्चन उठाया था वहां पे 4 मंथ्स की कैलकुलेशन होनी थी और क्वेश्चन में उन्होंने 10 मंथ्स की कैलकुलेशन पूछी थी। तो जब आपको हर तरह से, कभी कभी हम गलत होते हैं, सोल्यूशन ठीक होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप 2-3 जगहों से पूछें और आपको लगे कि ये सोल्यूशन ऐसा नहीं बनता था, तो फिर ये समझ लें कि यार वो भी इंसान है, गलती हो सकती है। चलेंगे जी आगे चलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में हमारे साथ मिस हुमा के साथ भी ड्रामा हो गया के, तो प्रोविडेंट फंड में हमने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की कॉन्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है, ऑलरेडी टैक्स हो जाती है सैलरी में। एम्प्लॉयर की आपने लोअर देखनी है, दो चीजों की आपने लोअर देखना है, किस चीज का, 1/10, और दूसरा क्या था जी, और फिर था इंटरेस्ट जो आपका क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट जब आपका क्रेडिट होता है तो फिर उसमें क्या होता है, 1/3 बेसिक सैलरी का, या फिर, और इसमें आपने हायर देखना है, ये मुझे लिखना भूल गया, इसमें आपने हायर देखना होता है 1/3 का, या फिर 16% ऑफ एक्युमुलेटेड बैलेंस का, और उसमें आपने 1/10 का लोअर देखना है, या 100,000 का लोअर देखना है। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपको साथ साथ ही याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसीलिए साथ साथ बना रही हूँ कि आपको क्लास में याद हो। किसी ने मुझे जवाब ही नहीं दिया कि मिस कौन सा वाला होगा कौन सा नहीं होगा, तो मिस इसीलिए पूछी होती है कि किताब तो सबके सामने खुली है, लेकिन जब खुद से सोच सोच के बताएंगे तो ये चीज याद हो जाएगी। तो जी हम देखते हैं अब आई कैप क्या चीज टेस्ट करता है। तो आप आई कैप से यही तवक्को रखें कि वो रिकग्नाइज पूछा करेगा आपसे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। ऑटम 13 का क्वेश्चन है कि मिसेज असलम को प्रोविडेंट फंड भी मिल गया जी, तो उनको क्या मिला, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस। और इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले सारे पार्ट्स इसीलिए डाले हैं ताकि आपके ये बार बार रिवाइज हों, क्योंकि ये ऊपर वाली चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रहे कि इनका ट्रीटमेंट क्या था। फिर उनको प्रोविडेंट फंड मिला है 10% ऑफ बेसिक सैलरी और इक्वल अमाउंट डाली HPL में। तो अब उन्होंने नहीं बताया कि ये जो प्रोविडेंट फंड मिला है ये कौन सी तरह के उससे मिला है, क्या कहते हैं, रेकग्नाइज फंड से मिला है, अनरेकग्नाइज से मिला है, हुकूमत की तो वो एम्प्लॉय नहीं थी। तो उनको प्रोविडेंट फंड मिला है 10% ऑफ बेसिक सैलरी और इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट की है HPL ने। तो हमें ये तो पता है कि जो उनका प्रोविडेंट फंड था 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो उनको वापस मिला है, क्योंकि जब आपको वापस पैसे मिलते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं, जो आपने आपके पैसे कटे होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, जो एम्प्लॉयर ने डाले होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सिंपलेस्ट अजम्पशन लेंगे कि जी अनरिकग्नाइज्ड फंड था और वो इन अकॉर्डेंस विद प्रोविडेंट फंड एक्ट बना था, इस वजह से उनका सारा का सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपने साथ दूसरी चीज भी बतानी है कि अगर वो रिकग्नाइज होता तो वो क्या करती, क्योंकि आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये प्रूव करना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा आता है, ठीक है। तो अपना सोल्यूशन सिंपल तरीन रखें, आप इस क्वेश्चन के डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोविडेंट फंड कौन सा वाला है, रिकग्नाइज है अनरिकग्नाइज है, गवर्नमेंट की तो वो नहीं थी, तो इस वजह से आप अपना सोल्यूशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में फिर आप क्या करेंगे, आप एग्जामिनर को पूरा प्रोविडेंट फंड का बता के आएंगे कि रेकग्नाइज के केस में ये होता है, अनरेकग्नाइज के केस में ये होता है, ताकि उसको ये बताओ कि इसको कॉन्सेप्ट आते हैं, इसने अपना सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है जी। फिर स्प्रिंग 2009 का क्वेश्चन है कि प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ था 10% ऑफ सैलरी, इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की थी होटल ने, और इंटरेस्ट कितना मिला था उनको, 48,000। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड इसका मतलब है सिर्फ 2 मरतबा टेस्ट हुआ है, पहले टेस्ट हुआ था ऑटम 13 में और दूसरी मरतबा टेस्ट हुआ है स्प्रिंग 2009 में, और स्प्रिंग 2009 में फिर भी थोड़ी ज्यादा डिटेल्स थी कि इंटरेस्ट भी उन्होंने बताया है और यहाँ पे भी उन्होंने रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज का नहीं बताया। तो आप लोगों ने खुद से जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है वो करके आना है, लेकिन बात पूरी बता के आनी है, क्योंकि आप पिछली क्वेश्चन अगर देखें ऑटम 13 का, तो उसमें नीचे उसने लिखा है एग्जामिनर ने
show all the relevant exemptions, exclusions and disallowances. यानी कि आपने जो भी चीज नहीं इंक्लूड की या डिफरेंट इंक्लूड किया या एग्जेम्प्ट थी थोड़ी सी आपने बाकी इंक्लूड किया टैक्सेबल में तो आपने बताना है कि क्यों बाकी का क्या करना है ठीक है तो प्रोविडेंट फंड ज्यादा टेस्ट नहीं होता अभी तक नहीं हुआ लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का होना चाहिए ठीक है जी अब आपकी आज की ये असाइनमेंट है कि आपने दोनों ट्रीटमेंट्स करके आने हैं अगर ये अनरिकग्नाइज का था उसका ट्रीटमेंट भी करके आना है और अगर ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का था तो उसका ट्रीटमेंट भी करके आना है और फिर अनरिकग्नाइज में भी दो चीजें थी अनरिकग्नाइज में था कि या तो वो किसी प्रोविडेंट फंड के एक्ट किसी लॉ प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है 1925 का उस लॉ के मुताबिक बना है अगर तो उसके मुताबिक बना है तो फिर एग्जेम्प्ट है वरना फुली टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसीट तो आपने ये तीनों ट्रीटमेंट्स देखने हैं ताकि अगर आपको कोई सॉल्व करते हुए मसला आ रहा है तो आपको एग्जाम से पहले पता हो कि मिस मुझे ये बताएं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है ठीक है जी फिर एनुइटीज तो एनुइटी का लफ्जी मतलब ये यूजली मैथमेटिक्स में और फाइनेंस में हम एनुइटी का वर्ड पढ़ते हैं एनुइटी का मतलब है जो चीज आपको बार बार एक ही अमाउंट की बार बार हर महीने तकरीबन मिले तो वो एनुइटी होती है तो कोई भी अगर एनुइटी हो या सप्लीमेंट टू एनुइटी हो सप्लीमेंट का मतलब कि एनुइटी की जगह उसी तरह की कोई चीज हो तो वो टैक्सेबल होते हैं सैलरी के तौर पे इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरली बाय द करंट या एक्स एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो इस वक्त एम्प्लॉयर है या जो आपका पिछला एम्प्लॉयर था वो आपको ये एनुइटी पे कर रहे हैं खुद खुश होकर आपने उनसे कॉन्ट्रैक्चुअली नहीं मांगी यानी कि जो आपने नौकरी का मुआहदा साइन किया था उनके साथ उसमें आपने उनसे नहीं मांगी लेकिन वो खुद आपको दे रहे हैं तो बेशक वो खुद आपको दे रहे हैं आपको फायदा हो रहा है इस वजह से वो टैक्सेबल है तो फिर हम पढ़ते हैं कि सारी एनुइटीज टैक्सेबल होती है नॉर्मल तरह से एक्सेप्ट जो खास तौर पे एग्जेम्प्ट एनुइटीज हैं ठीक है तो वो कहता है कि क्लॉज नंबर 20 पार्ट 1 और सेकंड स्केड्यूल बताता है कि कौन सी एनुइटीज एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स तो आपने ये देखा कि किताब में उसने ये तो बता दिया कि जाके पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल ऑफ ऑर्डिनेंस में देख लें कौन सी एनुइटीज एग्जेम्प्ट हैं तो इसका मतलब है ये काफी सारे डिफरेंट नाम आ रहे होंगे एनुइटीज के ये वाली भी एग्जेम्प्ट है ये वाली भी एग्जेम्प्ट है ये वाली एग्जेम्प्ट है तो पेपर में ये यूजुअली इससे सवाल भी इसीलिए नहीं पूछता कि ये काफी लंबी डिटेल्ड डिस्कशन है हाँ आपको कॉन्सेप्ट जरूर पेपर के लिए पता होना चाहिए और बाद में अगर आप में से कोई फर्म में आर्टिकलशिप करता है और टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको जरूर ये पता होना चाहिए कि एनुइटीज टैक्सेबल होती हैं एक्सेप्ट अगर वो सेकंड स्केड्यूल में उसकी एग्जेम्पशन लिखी हुई है ठीक है तो आगे वो बता रहा है कि कौन सी एनुइटीज एग्जेम्प्ट और सेकंड स्केड्यूल क्या कहता है तो सेकंड स्केड्यूल की क्लॉज नंबर 20 ये बताती है कि कोई भी इनकम जो रिसीव हुई है किसी भी पर्सन से फ्रॉम एन एनुइटी जो कि पाकिस्तान की पोस्टल एनुइटी सर्टिफिकेट स्कीम है ऑन और आफ्टर 27 जुलाई 1977 नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज पर एनम पूरे साल के 10,000 रुपए से अगर ज्यादा की अमाउंट है तो 10,000 से ज्यादा की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी 10,000 तक अगर सिर्फ आपको पे होती है तो पूरे साल की 10,000 तो फिर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और फिर एनुइटीज के बारे में सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी कि टैक्स क्रेडिट्स ये कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट्स अलाउ होते हैं ऑन द कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनुइटीज द सेट टैक्स क्रेडिट हम चैप्टर 11 में देखेंगे तो इसका मतलब है कि एनुइटीज में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं यानी कि एम्प्लॉई पहले थोड़े से पैसे डालता है या कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं उसको उसको प्रीमियम भी बोल सकते हैं यानी पहले वो पैसे डालता है और बाद में उसको नौकरी के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसको हर साल एक अमाउंट मिलना शुरू हो जाती है ठीक है जी तो ये जो अमाउंट वो डाल रहा है तो वो क्योंकि अपनी सैलरी में से डाल रहा है और सैलरी क्योंकि ऑलरेडी टैक्स हो जाएगी तो वो अमाउंट उतने की वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है यानी जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा फिर हम पढ़ते हैं सुपर एनुएशन फंड तो सुपर एनुएशन फंड का मतलब है सुपर एनुएशन फंड या सुपर एनुएशन फंड का कोई भी हिस्सा जो कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया है अंडर 6th स्केड्यूल
तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू और फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, यानी एम्प्लॉई का तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा लेकिन एम्प्लॉयर का एग्जेम्प्ट है. हालांकि ऊपर प्रोविडेंट फंड में हमने देखा था कि एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट नहीं होती और जो इंटरेस्ट है एक्युमुलेटेड बैलेंस पे वो भी एग्जेम्प्ट है. और फिर अगर कोई पेमेंट होती है किसी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से किसी की मौत पे किसी ऐसे बेनिफिशियरी के, यानी कि जो बंदा जिसको उस फंड से फायदा होगा उसकी मौत हो जाती है, यानी कि इस फंड से तब पैसे मिलना शुरू होते हैं जब जिस बंदे ने इसमें इन्वेस्ट किया वो फौत हो जाए, या फिर इन ल्यू ऑफ और इन कॉम्यूटेशन ऑफ एनी एनुटी. इन ल्यू ऑफ का मतलब है किसी और चीज के बदले, और इन कॉम्यूटेशन ऑफ एनुटी यानी कि एनुटी अगर उन्होंने इकट्ठी करके आपको दी है और बाय वे ऑफ रीफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी, ये भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स. तो अभी तक जो हमने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन का फंड का पढ़ा है, पहली बात तो ये पेपर में नहीं आता, दूसरी बात ये कि इसमें जो भी हो वो एग्जेम्प्ट ही है अभी तक तो हमें ये पता चला है. और फिर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने की है, अगर इंटरेस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन भी थी और वो रीपे हुई है एम्प्लॉई को उसकी जिंदगी के अंदर उन हालात में अदर देन जो हालात ऊपर हमने क्लॉज 25 और सेकेंड स्केड्यूल में पढ़े हैं, यानी कि हमने इसमें पढ़ा था कि अगर इन ल्यू ऑफ या इन कॉम्यूटेशन ऑफ एनी एनुटी और बाय वे ऑफ रीफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फिर उस केस में वो एग्जेम्प्ट होती है. तो अगर इसके अलावा अगर उसको अपनी जिंदगी में ये पैसे मिले हैं तो टैक्स ऑन द अमाउंट सो रीपेड शैल बी डिडक्टेड बाय द ट्रस्टीज एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल. तो अब ये इसका कहने का मतलब ये है. अच्छा, जिल्ले का क्वेश्चन आया दरम्यान में, इसका मतलब है जिल्ले जो है ये पढ़ के तंग पड़ गए हैं. जिल्ले का क्वेश्चन आया दरम्यान में कि मिस हमने एम्प्लॉई शेयर स्कीम अभी तक नहीं पढ़ी तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो जिल्ले वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मैंने एग्जाम में उसके ऊपर दो या तीन तीन या चार मैक्सिमम सवाल देखे हैं, ठीक है. तो एम्प्लॉई शेयर स्कीम इस टॉपिक के हम एंड के पास पास करेंगे, जब ये कहानियां खत्म हो जाएंगी एग्जाम्प वाली तो फिर हम पढ़ेंगे क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है. तो वो बाकी रिमेनिंग है लेकिन वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. अब हम ये कहानियां खत्म कर लें ग्रेच्युटी वगैरह की. तो इस यहां पर वो ये बात कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मिली है एम्प्लॉयर की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो उसने रीपे कर दिया एम्प्लॉई को, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट अगर आप मिलाएंगे तो वो क्या बनता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस, यानी कि उसके सुपर एनुएशन फंड में जितने पैसे उसके पड़े हुए थे वो रीपे हो गए एम्प्लॉई को उसकी जिंदगी में और उन हालात में नहीं हुए जिन हालात में ऊपर क्लॉज 25 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल था, यानी इससे ऊपर वाले पॉइंट के हालात में नहीं हुए. तो जो टैक्स कटा होगा इस रीपे अमाउंट पर वो जो ट्रस्टीज है सुपर एनुएशन फंड के वो डिडक्ट करेंगे उसको एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल. तो इसका मतलब है ट्रस्टीज कौन होते हैं, जो उस फंड को चला रहे होते हैं लोग, जो मैनेजमेंट होती है उस फंड की, ठीक है. तो जो टैक्स उन ट्रस्टीज ने पे किया हुआ होगा, क्यों पे किया होगा ट्रस्टीज ने, क्योंकि ट्रस्टीज ने सुपर एनुएशन फंड में जो पैसे लेके लोगों के और अपने पैसे डालकर इन्वेस्टमेंट की होगी उस इनकम पे कोई टैक्स उन्होंने पे किया होगा. तो वो जो टैक्स उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया होगा वो डिडक्ट कर देंगे एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल, यानी कि इसका मतलब है जिस साल में विड्रॉ होता है उनके ऊपर भी सेकेंड स्केड्यूल के मुताबिक कोई रेट्स लगते हैं. तो ये बहुत बारीक बीनियां हैं लॉ की, वो सिर्फ आपको ये बताना चाहता है मोटा मोटा कि सुपर एनुएशन फंड में से बेसिकली सब चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं. अगर एग्जेम्प्ट नहीं भी है आखिरी केस में, अगर उसने अपनी जिंदगी में वो पैसे निकलवाए हैं तो जितना टैक्स उस फंड ने ऑलरेडी पे कर दिया होगा उतना तो उसको बच जाएगा, बाकी फिर उसको देना पड़ेगा, ठीक है. और उसने ट्रीटमेंट नहीं बताया तो ये भी मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए. फिर आपका बेनेवोलेंट फंड है, तो बेनेवोलेंट फंड का मतलब है कोई भी बेनेवोलेंट ग्रांट जो बेनेवोलेंट फंड, बेनेवोलेंट बेनेवोलेंस का मतलब होता है किसी पर रहम करना. तो बेनेवोलेंट फंड है एम्प्लॉयज के लिए या उनकी फैमिलीज के लिए इन अकॉर्डेंस विद ये लॉ है बेनेवोलेंस का, ठीक है. तो कानून है सेंट्रल एम्प्लॉय बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969. तो हमें पता चल गया कि ये भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है जी.
तो सुपर एनुएशन और बेनेवोलेंट फंड में मैक्सिमम चीजें एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं टैक्स फ्री सैलरी। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ये अभी रिसेंटली तो नहीं एग्जामिन हुआ, लेकिन ये यूजुअली एग्जामिन कभी कभी हो जाता होता है, तो आप लोगों ने ये गौर से पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका एम्प्लॉयर कहता है कि इस बंदे की तनख्वाह का टैक्स मैं पे कर दूंगा। अच्छा, जिले का पॉइंट आया कि इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तो जिले इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है यार, बात यही है कि अगर आप अभी से अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी से अच्छी तरह से हम देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, बाद में हमें ये कॉन्सेप्ट मुश्किल ना लगे। दूसरी बात ये, मैं आप सब लोगों से कहूंगी, यूजली 20 से 25 नंबर का सवाल आता होता है इंडिविजुअल के ऊपर, जिसमें सैलरी भी आती है, उसमें 2-3 पॉइंट्स प्रॉपर्टी के होते हैं, कैपिटल गेन्स के होते हैं। तो अगर इस तरह की आखिर में चीज आ जाए जो बहुत ही मुश्किल है, ये जो टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉई है, ये आखिर में निकलेगी इसका ट्रीटमेंट, बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर 25 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया है, इसको छोड़ के अगले पेपर कर लें, टाइम बचे तो इस पर वापस आइएगा। ठीक है, और इससे भी ज्यादा बेहतर अप्रोच है कि अभी से इसके पास पेपर साथ ही दिए गए हैं, उनको साथ आज प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर आपको मसले हैं तो अभी से आपको पता चल जाए कि जी मिस मुझे ये दोबारा से बताएं, या मुझे बताएं कि मैं इसकी कैसे प्रैक्टिस करूं ताकि पेपर में मेरा ये ना छूटे, टाइम पे हो जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अगर टैक्स देता है एम्प्लॉय की तनख्वाह पे, तो एम्प्लॉय को फायदा है क्योंकि उसका टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने दे दिया। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी आपको फायदा पहुंचता है, जो आपकी पेमेंट, आपकी ऑब्लिगेशन आपके एम्प्लॉयर ने सेटल कर दी आपके बिहाफ पे, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा, तो ये फिर एडिशनल बेनिफिट आपकी सैलरी इनकम में चला जाएगा, और सैलरी इनकम ग्रॉस अप होगी, यानी कि उसमें ऐड हो जाएगी जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया। अब इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये आता है कि उसने एक मरतबा आपका टैक्स पे किया सैलरी पे, अब उसकी सैलरी में जितना टैक्स उसने पे किया था वो ऐड हो गया, तो सैलरी की नई अमाउंट आ गई है, अब इस पर फिर कोई नया टैक्स बनेगा, फिर वो उसकी जेब से जाएगा। ठीक है, तो ये हम कितनी देर तक करते रहेंगे, क्योंकि वो जितना भी टैक्स बनता है वो तो उसने उठाना है, तो वो तो बार बार सैलरी में ऐड होता जाएगा, तो कितनी अमाउंट हम शो करें, ये इसमें टेक्निकलिटी है। ठीक है, जिन लोगों ने ये अगर पहले नहीं पढ़ा, तो इसमें सिर्फ ये टेक्निकलिटी है कि वो एड ऑन कितनी मरतबा निकालें, कि कितना टैक्स बार बार ऐड करें, कितनी लिमिट तक वो पे करेगा। तो इस पे एक्सरसाइज है कि एम्प्लॉयर है मिस्टर उस्मान के, जिन्होंने कहा कि यार तुम्हारी सैलरी, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, तुम्हारी तनख्वाह पे टैक्स मैं पे करूंगा, और उनकी सैलरी है 2 मिलियन की, तो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करें उस्मान साहब की, और यहां पर उसको आप पे रहम आ गए इस एक्सरसाइज में कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप अज्यूम करें। अच्छा, जिले इसको भी हम देखते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये अज्यूम करें कि टैक्स पे करना है 15% के रेट पे ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम इंस्टेड ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल के रेट, यानी वो आपसे कहता है कि आप स्लैब के रेट मत इस्तेमाल करें, आप ऐसा करें कि आप अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना सीख जाएं, आप सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 15% का सीधा सीधा रेट उठा लें। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, उसने बताया 2 मिलियन की इनकम है, अब टैक्स जितना एम्प्लॉयर ने पे किया, 2 मिलियन का 15% बनता है 3 लाख रुपया, गुड हो गया, हमें पता चल गया टैक्सेबल सैलरी 2.3 की है। अब मसला ये हुआ कि 2.3 के ऊपर फिर 15% वो बेयर कर रहे हैं, तो फिर इतना टैक्स और बन गया। ठीक है जी, तो अब कितना टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर है ऑन बिहाफ ऑफ उस्मान, तो 3.45 में से 3 लाख तो एम्प्लॉयर ने कहा था कि मैं बेयर कर लूंगा, तो फिर बाकी वो उस्मान साहब से कहता है कि आप खुद उठाएं, वरना हम करते करते पता नहीं कितनी अमाउंट ऐड होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरह, तो फिर ये तो एंडलेस कैलकुलेशन है, वो तो बेचारा करते करते 2 मिलियन से पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा सैलरी देने में। तो इस केस में एम्प्लॉई साहब से वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मेजर खर्चा, अब आप देखें 3 मिलियन का कितने परसेंट बनता है, 45%, अगर मैं 45 को ऑन एवरेज 50 ले लूं तो 1/6 बनता है ये। ठीक है, 1/6 बनता है ये सैलरी का, तो इसका मतलब है कि
5/6 जो टैक्स है, जो मेजर अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे कर रहा है उसका एम्प्लॉयर, और चलो 45,000 उसको दे दिया, ठीक है। अब ये सवाल है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है 45,000 का, ये एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि अगर इसने एम्प्लॉयर से लिया तो ये फिर सैलरी बन जाएगी। तो ये एक सवाल है कि हर केस में, हर इंडिविजुअल के केस में ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है ये कैसे डिटरमिन करना है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस हमने निकाला था टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और फिर जो टैक्स एक्चुअली बनता है ग्रॉस अप करने के बाद, यानी कि 345 में से 300,000 के अमाउंट माइनस कर दें तो क्या ये रिकवर्ड है या रिकवरेबल है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से ले सकता है कि नहीं ले सकता, ठीक है। अगर तो वो एम्प्लॉयर से नहीं लेता वापस तो फिर तो सिंपल मामला हो गया, हमें पता चल गया कि जी उसको बेनिफिट सिर्फ 3 लाख रुपए का मिला है क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे की है 2 मिलियन की और उसके ऊपर 3 लाख का टैक्स पे किया है, और जो बाकी 45,000 बनते थे वो एम्प्लॉई साहब ने कहा है कि मैं आप पे दे लूंगा, ठीक है जी। और फिर अगर अगर किसी को पंजाबी समझ नहीं आती तो वो भी मुझे बता दे ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने कौन सी जुबान में बात की है, ठीक है जी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा टैक्स दोबारा से एम्प्लॉयर ने या तो खुद ही टैक्स अथॉरिटीज को देना है या एम्प्लॉयर साहब ने वो पे करना है एम्प्लॉई को, तो फिर आप ग्रॉस सैलरी तो मसला बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको वो रेट निकालना पड़ेगा, 2-3 स्टेप्स में बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि कितनी कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा मुझे कि मैंने कितना टैक्स सैलरी में ऐड करना है। तो इसके ऊपर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया। तो ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहां गया, अच्छा या तो आपकी बुक में क्वेश्चन ही नहीं है या फिर मेरे नोट्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपकी बुक में क्वेश्चन है जी इसके ऊपर, तो अगर तो बुक में क्वेश्चन है तो वहीं से पढ़ लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि सवाल क्या है। जिले आप मुझे बताएं कि बुक के अंदर सवाल है या हम सीधा सीधा आंसर डिस्कस कर लें, जल्दी से बताएं सारे लोग। अच्छा जी फजल, सवाल ये है कि आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है या नहीं। किसी ने किताब नहीं खोली हुई। अच्छा जी इजाज की ये सजेशन है कि मिस अगर पूरा लेक्चर आप पंजाबी में दें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सारा का सारा लेक्चर अगर पंजाबी में हो तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। चले जी नहीं है तो इजाज आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, वरना मुझे पंजाबी ज्यादा पसंद है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पंजाबी में बात करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो वो बहुत ज्यादा अनऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी चलती है। तो सैलरी की अब हम, उसने हमें एग्जाम्पल नहीं दी तो मैं आपको खुद से क्वेश्चन बना के बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है जी कि एक बंदे की सैलरी इनकम थी, एम्प्लॉयर उसको तनख्वाह देता था 1.55 मिलियन की। तो अब आप बताएं कि इसका कितना टैक्स बनता है, और यहाँ पर उसने स्लैब रेट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने आपको नहीं कहा कि आप सीधा सीधा 15% लगा दें, यहाँ पर उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया आपकी कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन जैसी कर दी है ताकि आप पेपर में एक्चुअल कैलकुलेशन करके आ सके। अच्छा अब सिर्फ इस केस में आप किताब पे मार्क कर लें कि ये तरीका ज्यादा बेहतर है कॉलम्स बनाकर सॉल्व करने का, ठीक है। सिर्फ इस केस में मैं आपसे कहूंगी कि आपने पेपर में ये ऐसे ही सॉल्व करके आना है जैसे इसने सॉल्व किया है, क्योंकि यहां पर आपने डिफरेंशियल्स निकालने हैं और डिफरेंशियल्स ज्यादा आसान होते हैं निकालने जब वो सामने सामने वर्किंग हुई हो, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया फर्स्ट कैजुअल से कि फर्स्ट कैजुअल पे कितना स्लैब रेट लगता है, 15% का स्लैब रेट लगता है और 95,000 का तो उसने सीधा सीधा टैक्स फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है। कितने पे करनी है, 1.5 मिलियन की अमाउंट पे उसने 95,000 से देना देना है, और 1.5 से जितनी ज्यादा है, 1.5 से कितनी ज्यादा है 50,000,
तो जो एक्स्ट्रा ज्यादा है उसके ऊपर उसने 15% पे करना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस पर टैक्स बनता है कितना, 102,500। तो उसने कितना टैक्स पे करना है, अभी क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है तो अभी उसने टैक्स सैलरी पे बनता है 102,500। तो ये 102,500 जब आप ऐड करेंगे सैलरी में, क्योंकि ये आपको फायदा मिल रहा है, इतना टैक्स आप पे नहीं कर रहे, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा, तो आपकी अमाउंट बन जाएगी जी इतनी 1.65 मिलियन रुपीज। ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि सैलरी इनकम में आप ऐड कर लें। इतनी लंबी कहानी आपने पेपर में नहीं लिख के आनी है, बिकॉज 102,500 की जो ये जो कहानी है ये आप नोट्स में नीचे लिखेंगे कहीं पर, और यहाँ पर नोट का रेफरेंस दे देंगे, इतनी लंबी कहानी लिखने की जगह आंसरिंग शीट में नहीं होती। तो नीचे आप नोट दे देंगे कि आपने क्यों ऐसा इस वैल्यू में एडअप कर दिया। फिर अब दोबारा इस पर आपने स्लैब रेट लगाया, तो हमने देखा था कि 1.5 मिलियन से बड़ी जो अमाउंट होती है उस पर 95,000 तो सीधा सीधा टैक्स बनता है, और जो 1.5 से एक्स्ट्रा बड़ी होती है, एक्सीडिंग 1.5 मिलियन होती है, ठीक है, उसके ऊपर आपने 15% पे करना। तो यहाँ पे उसने सीधा सीधा लिख दिया 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.5 मिलियन। तो आप 1.65 में से 1.5 माइनस करेंगे, वो जो भी अमाउंट बनेगी, ठीक है, वो अमाउंट, हाँ जी फजल हम पढ़ रहे हैं टैक्स बॉन्ड। अच्छा फजल आप किताब में मत ढूंढें, आप सिंपली इस क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करें, ठीक है, फिर बाद में किताब में ढूंढिएगा। ये जो पॉइंट्स आपने किताब में लिखने हैं ये अभी रजिस्टर पे लिखने हैं, कि मैंने बाद में किताब में ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, अभी रजिस्टर में लिखने। हाँ जी जिले वो इजाज ने मुझे बता दिया कि क्वेश्चन नहीं है, इसी वजह से हमने खुद ही से क्वेश्चन बना लिया कि 1.5 मिलियन उसकी सैलरी थी, 1.55 मिलियन, ठीक है, और उसके ऊपर हमने अब एक्चुअल फर्स्ट स्केड्यूल के रेट के मुताबिक टैक्सेस लगाने हैं। तो जी 95,000 तो उसका सीधे सीधे टैक्स बन गया, और फिर जो डिफरेंशियल है 1.65 मिलियन का और 1.5 मिलियन का, उसके ऊपर आपने 15% लगाया, तो आपका टैक्स बनता है इतना टोटल 95,000 प्लस 22,875, तो ये 117 बनता है, ठीक है। अब आपने डिफरेंशियल लेना है 117 का और 102,500 का, इन दो अमाउंट का डिफरेंशियल निकालना, ठीक है, क्यों निकालना है? क्योंकि 102,500 का फायदा एम्प्लॉयर आपको दे रहा था, ठीक है, इतना फायदा आपको एम्प्लॉयर दे रहा था, तो 117,875 का अब आपका टोटल टैक्स बना है, उसमें से 102,500 का फायदा आपको एम्प्लॉयर दे रहा था और बाकी ये आपका एक्स्ट्रा फायदा निकल आया इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने एड अप कर दिया है, वो जो टैक्स था वो आपने एड कर दिया उसकी सैलरी के अंदर, तो फिर अब टोटल टैक्स बनता है इतना उसकी नई सैलरी पे, और इतना डिफरेंशियल है वो पिछले से, तो इतना भी आप उसको फायदा और दे रहे हैं, और फिर दोबारा से ये स्टेप दोबारा रिपीट करें, तो फिर आप ये रिपीट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज ऐड कर दें, 1652 में ये 117 की अमाउंट ऐड करेंगे तो इतनी अमाउंट निकल आएगी आपकी, ठीक है जी। अब इस अमाउंट पे वो यही कह रहा है कि ये इसलिए अमाउंट निकली है क्योंकि आपने 15,375 का ये जो डिफरेंशियल टैक्स था ये भी एम्प्लॉयर ने उसका बेयर किया, ठीक है। फिर अब आप दोबारा इस पर टैक्स कैलकुलेट करें जैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं, 1.5 से जितनी बड़ी अमाउंट है उस पर 15% लगा दें और बाकी 95,000 तो आपने पे करना ही करना है। तो अब कितना टैक्स बना उसका, 95,000 प्लस 25,181, यानी कि टोटल एडिशनल टैक्स उसका बनता है 1,20,000। तो आप ये देख रहे हैं हर स्टेप में उस बेचारे का जो एम्प्लॉयर है उसको मजीद और टैक्स देना पड़ जाएगा उसका, और उसकी सैलरी एम्प्लॉय की बढ़ती जाएगी, एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। अब डिफरेंशियल आ रहा है, अब आपने डिफरेंस लेना है 120 का और 117 का, तो डिफरेंशियल आया है 2,306 रुपए। तो ये स्टेप आपने तब तक प्रैक्टिस करते रहना है, ये फिर आप दोबारा ये करेंगे कि आप 2,306 रुपए, ठीक है, आपका एडिशनल आया था, अब आप 1667 में एडिशनल अमाउंट ऐड कर दें, ठीक है, पहले आपने 1652 की अमाउंट में 15 ऐड किया था,
ठीक है, ये अमाउंट ऐड की थी तो आपकी ये अमाउंट आई थी, ठीक है, हमने ये अमाउंट ऐड नहीं की थी, ये तो टोटल टैक्स था, हमने डिफरेंशियल, क्योंकि हम 165 to 500 में ऑलरेडी जो 102 का फायदा था, बहुत ज्यादा एरोज हो गई हैं, मैं अपना बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लूं, तो आप ये देख रहे हैं कि इतने पे उसको इतना फायदा मिला था एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसका टोटल सैलरी इतनी बन गई थी, फिर उसको मजीद इतना फायदा मिला तो उसकी सैलरी इतनी बन गई थी, अब उसको मजीद इतने का फायदा मिला है तो उसकी सैलरी जो भी बनेगी, आप दोबारा से ये स्टेप्स प्रैक्टिस करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक यहां पर वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि इन द अबव इलस्ट्रेशन टैक्स इज बीइंग एडेड टू द टैक्सेबल इनकम इन टू स्टेप्स, आइडियल सिचुएशन में आप तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक जीरो या तकरीबन जीरो की अमाउंट ना आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा स्टेप्स बन जाएंगे, ठीक है। आपने अगर पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पहली बात तो पेपर में इतना लंबा नहीं देगा आपको, आपको या तो ऊपर वाली सिंपल सिनेरियो देगा कि एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो पहली मरतबा का टैक्स एम्प्लॉयर बेयर कर लेगा, यानी कि जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी 3 लाख एम्प्लॉयर दे देगा और बाकी 45,000 एम्प्लॉय खुद ही दे दें, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा टैक्स भी जो बनता जा रहा है 45,000 भी अगर एम्प्लॉयर ने बेयर करना है, फिर आपको इस तरह के बार बार स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो यूजली अगर अल्लाह करे आपके एग्जामिनर का अगर तो उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया कि 2-3 स्टेप्स में इस तरह की मिनिमल से अमाउंट हो गई, अब 2 लाख क्या, 2,000 रुपया क्या है 1.5 मिलियन के सामने, ठीक है। तो फिर आपने बेसिकली सिर्फ उसको कम्युनिकेट करना है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है इस पे ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पे काफी टाइम लग जाएगा आपको पेपर में, ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा कर आना। अब हम आगे देखते हैं कि पेपर में किस तरह का आता है। उसने ऑटम 13 में ये सवाल पूछा था, ये ऊपर वाले पॉइंट्स आपने देखे हैं ऑलरेडी कि लीव एनकैशमेंट थी, ग्रेच्युटी थी, रीइंबर्समेंट थी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो किस किस ने अभी तक देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है टैक्स के पेपर में, किसी ने देखा है अभी तक जो मैंने बोला था, क्योंकि हमने तो अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं पढ़ा। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने देख के आना है, सब कुछ मिस नहीं बताती, ठीक है। एक हिंट सिर्फ ये है कि जो चीज हमने नहीं पढ़ी होती फिर वो टैक्स पर्पसेस के लिए रेलेवेंट भी नहीं होती, ठीक है, टैक्स वालों ने उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया था। तो फिर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट जो इनकम टैक्स बनेगा उनकी सैलरी पे वो HPL पे करेगा, तो उसने बाकी बता दिया, बेसिक सैलरी इतनी थी, मेडिकल इतना था, रेंट फी अकोमोडेशन इजाज, ये आपने सवाल का जवाब तो दिया है लेकिन आपने अब खुद जाके पास पर्पस में कंफर्म करना है इसका सलूशन, क्योंकि मैं शायद आपके जवाब से अग्री नहीं करती, ठीक है। दिल्ले ये 2 क्वेश्चन मार्क्स का क्या जवाब, क्या सवाल क्या है आपका। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस इतना था, प्रोविडेंट फंड इतना था, और फिर एम्प्लॉई शेयर स्कीम आपने अभी नहीं पढ़ी तो इसको आप रहने दें, ऊपर क्या चीज। अच्छा आपका क्वेश्चन है मिस अगर एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करके स्लैब बिग हो जाए तो फिर आप, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिला आपका, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो जिले का ये सवाल है कि मिस ऊपर वाले एग्जांपल में तो उसका स्लैब रेट सेम रहा था, अगर टैक्स बढ़ाते बढ़ाते उस बेचारे का स्लैब रेट बढ़ जाए तो फिर आप नया वाला स्लैब रेट लगाएंगे उस पर, जो भी एप्लीकेबल होगा ना फिर आपको वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उनको लोन मिला 400,000 का, उनको ये बेस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय अवार्ड मिला, उनको स्पाउस टू स्पाउस सपोर्ट पेमेंट मिली, उनको 105,000 की ज़कात मिली और 70,000 की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से अमाउंट मिली। तो हमने क्योंकि ये पूरा सवाल अभी तक इसमें 2-3 पार्ट अभी तक नहीं करने सीखे, जैसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम डोनेशन का क्या करते हैं, बाकी सारा सवाल अब आप इस काबिल हैं कि आप ये 21 नंबर का पूरा क्वेश्चन नहीं तो कम अज कम इसमें से 17-18 नंबर का क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए हैं, आपने वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। अब उन्होंने कहा है कि जो टैक्स है सैलरी पे वो उनका एम्प्लॉयर बेयर करेगा, तो अब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आज की असाइनमेंट है कि आपने ये अटेम्प्ट करना है और फिर पेपर में देखना है कि इसके सोल्यूशन कैसे हुआ हुआ था।
ठीक है, तो आपने इसको सिंप्लिसिटी पर्पजेस के लिए वैसे अज्यूम नहीं करना। अगर तो टाइम नहीं रह गया तो सिंप्लिसिटी पर्पजेस के लिए कर लें अज्यूम कि पहली मरतबा एम्प्लॉयर बेयर करेगा और बाकी जितना बच जाएगा एक्स्ट्रा वो एम्प्लॉय खुद ही दे देगा। अगर टाइम है तो कम अज कम दो स्टेप्स जरूर करके आने हैं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि इसको निकालना आता है, फिर आप लिख दें कि हम ये स्टेप्स तब तक करते रहेंगे जब तक के डिफरेंशियल जीरो नहीं हो जाता आइडियल सिचुएशन में, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि सारी वर्किंग एग्जाम्पल जो भी चीजें आपने जिस तरह से कैलकुलेट की हैं वजह बताएं क्यों ऐसे किए। ठीक है जी, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग ये असाइनमेंट्स कब करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक ये ना किए तो जैसे रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, कॉस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑटम 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है फजल, आप अभी से पेपर पास करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वेरी नाइस। ऑटम 2009 में भी ये सारी इमोल्यूमेंट्स हैं उनकी, यानी कि उनके पर्क्स हैं, और फिर ये सारी इमोल्यूमेंट्स के बाद उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उनका जो टैक्स है, तो यहां पर उस एग्जामिनर ने आपकी जिंदगी आसान कर दी है कि उनका टैक्स कितना बेयर करेगा कंपनी, 200,000 की अमाउंट। तो 200,000 की अमाउंट आप सीधी सीधी उनकी सैलरी में ऐड कर देंगे। यहां पे आपको ना ही स्टेप्स करने पड़ेंगे, ना ही आपको वो असम्पशन लेनी पड़ेगी कि थोड़ा सा उसने बेयर कर दिया एम्प्लॉयर ने और बाकी एम्प्लॉय ने पे कर दिया। यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता है कि जितना बेनिफिट उसको मिला, उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ 2,00,000 का, तो 2,00,000 सीधा सीधा उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अभी तक ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, ऊपर टेस्ट हो चुका है, तो आपने उसको जरूर अटेम्प्ट करना है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी सिर्फ आपको ये पार्ट नहीं आता और ये पार्ट नहीं आता और ये पार्ट नहीं आता, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस, और ये जो पार्ट्स हैं ये एक एक मिनट के भी नहीं है, मतलब ये जब हम कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे तो ये एक एक मिनट के पार्ट्स हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मेजर जो सैलरी का क्वेश्चन, इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है, यूजुअली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है या मेजरली वो सैलरी टैक्स पेयर होता है। तो सैलरी टैक्स पेयर में हम इस काबिल हो गए हैं कि हम पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लें। फिर उसने तीन मरतबा इस तरह का सवाल पूछा हुआ, स्प्रिंग 2009 में भी उसने पूछा है, यहां पर भी हम देखते हैं कि कहां पर है कि उसका टैक्स कंपनी ने बेयर करना है, ये एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेबल सैलरी पे होटल देगा जिस होटल के लिए वो काम करते हैं। फिर अदर बेनिफिट्स, तो अदर बेनिफिट्स में हम आ जाते हैं, और भी फायदे हो सकते हैं, और क्या फायदे हो सकते हैं, अगर कोई स्पेशल अलाउंस मिली है, यानी कि वो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं थी और कन्वेंस अलाउंस भी नहीं थी। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको गाने बजाने या फिल्में दिखाते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब है कि आपके खाने पीने का खर्चा रोजाना का या किसी खास असाइनमेंट का, और कन्वेंस का ऑब्वियसली मकसद है कि अगर वो आपको गाड़ी नहीं देते उसकी जगह पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी स्पेशल बेनिफिट या अलाउंस है जो इंटरटेनमेंट भी नहीं था, जो कन्वेंस भी नहीं था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा परक्विजिट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 था जो सैलरी की वो सारी चीजें बताता था, लीज पे बोनस कॉम्पनसेशन इन व्यू ऑफ फलानी चीज और प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी रिटायरमेंट बेनिफिट गोल्डन हैंडशेक, ठीक है, तो सेक्शन 12 ये बताता था। तो ये कोई भी स्पेशल जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये कोई ऐसा परक्विजिट है सेक्शन 12 के अंडर जो स्पेशली आपको मिला है पूरी तरह से खर्चे बेयर करने के लिए और नेसेसरली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। तो ये क्योंकि आपको पूरी तरह से सिर्फ इसलिए मिला है कि आप ऑफिस के खर्चे बेयर कर सकें, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। तो स्प्रिंग 2011 में उसने लिखा है स्पेशल अलाउंस था 50,000 का, एक्सपेंसेस नेसेसरली के लिए दिया गया था ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, और असल में खर्चा कितना आया 40,000। तो कितना टैक्सेबल है जी, कितना सैलरी में ऐड होगा और बाकी कितना अमाउंट
क्या सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, क्या सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगी? अगर सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगी तो कितना अमाउंट टैक्सेबल? जल्दी से बताएं सारे। तो जितने में आप लोग आंसर लिख रहे हैं, मैं साथ साथ बोल दूं कि हमने ऊपर ये पढ़ा है कि स्पेशल अलाउंस पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। अब असल खर्चा 40,000 का था तो बाकी जो 10,000 रुपए हैं वो टैक्सेबल होने चाहिए, क्योंकि वो बेनिफिट किसको मिला है? एम्प्लॉई को। ठीक है, क्यों टैक्सेबल होने चाहिए? इसलिए टैक्सेबल होने चाहिए कि ताकि एम्प्लॉयर स्पेशल अलाउंस का नाम इस्तेमाल करके, बजाय कि उसने कन्वेंस अलाउंस या एंटरटेनमेंट अलाउंस देना था, वो हर चीज का नाम स्पेशल अलाउंस देख के काफी सारे पैसे एम्प्लॉय को दे दे ताकि वो टैक्सेबल ही ना हो। ठीक है, तो इस वजह से टैक्स अथॉरिटीज ये नहीं चाहेंगे कि आपने, क्योंकि स्पेशल अलाउंस की एग्जेम्पशन है तो आप हर चीज का नाम स्पेशल अलाउंस रख दें और फिर उनको सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाए। तो इस वजह से ये 10,000 की अमाउंट जी टैक्सेबल रहेगी। सर्टन पर्क्स विदाउट बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये विदाउट नहीं आना चाहिए, सर्टन पर्क्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये वर्च्यू नेकी नहीं है, ये वर्च्यू है कि फायदा। ठीक है, तो ये क्लॉज 53 है सेकंड स्केड्यूल का। सर्टन पर्क्स बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे और आपको हॉस्पिटल के लिए काम करने की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज फ्री थी, या फिर आपको सस्ता या मुफ्त खाना मिलता है क्योंकि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के लिए काम करते हैं, या आपको सस्ती या मुफ्त एजुकेशन मिलती है क्योंकि आप किसी तालीमी इदारे के लिए काम करते हैं, या आपको मुफ्त या फिर कम रेट पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है किसी हॉस्पिटल और क्लिनिक से क्योंकि आप इसमें काम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फायदा मिलता है इनके अलावा भी कि एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये कि वो जितने अपने खर्चे करता था उन्हीं में से उसने आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया, उसने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया आपको। ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके नहीं दिया उसने, इतना तो वो वैसे ही कर सकता था। तो जब आप उसी जगह पे नौकरी करते हैं जहां से आपको फायदा मिल जाए और सस्ता मिल जाए या मुफ्त मिल जाए, तो फिर ये चीजें एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, स्प्रिंग 2009 में सिर्फ एक ही मरतबा बहुत पहले उसने पूछा था कि मिस्टर मंटो जो है वो किसी होटल में काम करते हैं और वो लंच करते हैं होटल के रेस्टोरेंट में, जहां पे वैसे तो हर बंदा 400 रुपए का खाना खाता है, लेकिन उनको कंसेशनल रेट मिलता है कि वो सिर्फ 40 रुपए का खाना रोज खा लिया करें। ठीक है, सॉरी, उन बाकी सब लोग 400 रुपए का खाना खाते हैं, उनको कंसेशनल रेट मिला है कि वो 400 की जगह सिर्फ 40 रुपए दें। ठीक है, यानी कि 360 रुपए उनको माफ हैं, तो 300 वर्किंग डेज इन द ईयर। तो ये उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 300 वर्किंग डेज दिए हैं ताकि आप 40 को मल्टीप्लाई करें 300 से गलती करके। ये जो क्योंकि कंसेशनल रेट है, ये उनको इसलिए फायदा है क्योंकि वो ऑलरेडी एक होटल के एम्प्लॉय हैं, तो ये बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उनको 40 रुपीज भी उनकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, 400 भी ऐड नहीं होगा। यानी इस केस में आप डिफरेंशियल लेते 360 रुपीज ऐड करते, जो 360 रुपीज उनके बच जाते हैं रोज, तो आप यहां पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर सैलरी अर्न्ड पाकिस्तान से बाहर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहां पर जहां पर सिटीजन होता है उसको क्लियरली पढ़ा करें, क्योंकि सिटीजन और रेजिडेंट में फर्क होता है। और फिर हमने पढ़ा है बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो अगर सैलरी पाकिस्तान से बाहर मिली है और पाकिस्तान में आप रहते थे, तो अगर सिटीजन था पाकिस्तान का और वो पाकिस्तान में रहता था लेकिन वो अब पाकिस्तान से बाहर चला गया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और फिर वो बाहर ही रहता है ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, तो जो सैलरी इनकम उसने पाकिस्तान से बाहर कमाई है सिर्फ उस टैक्स ईयर में वो एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से। ठीक है, तो ये सिर्फ वो सैलरी है जो उसको पाकिस्तान सोर्स से नहीं मिली।
ठीक है, बाहर की उसकी नौकरी थी, बाहर के रूल्स के मुताबिक उसका टैक्स कट गया, ठीक है, क्योंकि वरना तो हर बंदा ये रूल अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, पूरे साल के लिए बाहर रहे और बाहर से काम, अगर इस तरह का काम है कि वो बाहर रह के भी कर सकता है, जैसे अगर कोई वो आईटी का काम करता है तो वो बाहर रह के भी कर सकता है, तो फिर वो सारे के सारे टैक्स बचा सकता है, वहां पर भी नहीं देगा और यहाँ पर भी नहीं देगा। तो ये सिर्फ उस केस में है सिटीजन, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर गया है, पूरे साल बाहर रहा है और फिर वो सैलरी उसने पाकिस्तान से बाहर ही कमाई है, यानी कि उस पर ऑलरेडी वो बेचारा टैक्स दे चुका है, फिर फॉरेन सोर्स सैलरी, अब यहाँ पर रेजिडेंट का जिक्र हो रहा है, तो हमने रेजिडेंट के केस में ये पढ़ा था कि रेजिडेंट की दो इनकम टैक्सेबल होती हैं, पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी। तो क्योंकि उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है लेकिन क्योंकि वो रेजिडेंट है, तो ये सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होगी अगर उसने फॉरेन इनकम टैक्स पे किया है, यानी कि उसका बाहर के मुल्क में जो भी इंप्लॉयर था उसने उसका विदहोल्ड कर लिया टैक्स। सैलरी पे हमेशा विदहोल्डिंग टैक्स होता है, यानी कि आपका इंप्लॉयर आपका टैक्स काट के आपको हमेशा सैलरी देगा, तो आप फिर वो जो जितना टैक्स आपका कट जाता है आप पूरी कॉम्पिटिशन करके टैक्स की, कि मेरे पूरा साल का टैक्स इतना निकलता था उसमें से इतना मैं सैलरी पे कटवा चुका हूँ वो माइनस कर देते हैं, ताकि नेट अमाउंट जो रहती है देने वाली वो आप दे दें टैक्स वालों को। तो अगर उसके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी उसका इनकम टैक्स काट लिया था, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी थी, जैसे हमारी SBR रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो रेवेन्यू अथॉरिटी जो भी थी उस कंपनी के जो टैक्स से डील करती थी, जिस कंट्री में वो रहता था उस कंट्री के रेवेन्यू अथॉरिटी को अगर टैक्स के पैसे चले गए हैं तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी माफ है टैक्स से। तो आप यहाँ पे नोट करें कि ये सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी है, सिर्फ बाहर की सैलरी, पाकिस्तान सोर्स के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। फिर अलाउंसेस एक्सेट्रा टू पर्संस वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, तो अगर कोई अलाउंस या पर्क पे हुआ है या अलाउ हुआ है आउटसाइड पाकिस्तान गवर्नमेंट से किसी सिटीजन को, तो गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि गवर्नमेंट अगर फायदे दे तो वो तो यूजली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ही होते हैं। तो स्प्रिंग 2015 में, अभी रिसेंटली आपको क्वेश्चन आया था कि ताहिर जो थे वो गारमेंट्स का बिजनेस करते थे और वो पिछले 5 साल से मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE में काम करते थे और अब वो पाकिस्तान वापस आए हैं अप्रैल 2004 में और उनको 150,000 रुपीज मिले हैं एक्स एम्प्लॉयर यानी पिछले एम्प्लॉयर से, जो कि उनकी फाइनल सेटलमेंट थी, यानी फाइनल सेटलमेंट वो अमाउंट होती है जो आपको नौकरी के बाद मिलती है, जितने पैसे आपके रह गए होते हैं वहां पर। और उसने 300,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो इसमें अब आपने इसका ट्रीटमेंट करना है आज के असाइनमेंट में कि पिछले 5 साल से अगर वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे, अब उनको पाकिस्तान से बाहर की इनकम मिली है तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी उस पर टैक्स काट के उनको नेट अमाउंट मिल रही होगी। फिर मिस्टर मंटो हैं स्प्रिंग 2009 के जुलाई 15 को उनको लमसम अमाउंट मिली 4 मिलियन की फाइनल सेटलमेंट के तौर पे पिछले एम्प्लॉयर से जो जर्मनी में था। तो यहाँ पर भी आप उनका टैक्स ट्रीटमेंट बता देंगे। फिर जी कुछ और किस्म के फायदे हैं सेकेंड स्केड्यूल में कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी सैलरी में से कम हो जाएगी। हो जगह खत्म हो गई है, फॉरन आज मिस ने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, चलें हम आगे कहीं से जगह बना लेते हैं। फुल टाइम टीचर और रिसर्चर, तो अगर आप प्रूव करते हैं कि आप फुल टाइम टीचिंग करते हैं या आप रिसर्च करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मैं पैक के लिए काम करती हूँ तो वो नॉन प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट कमाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो रिकग्नाइज्ड है हायर HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन की, या किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसको हायर एजुकेशन कमीशन रिकग्नाइज करता है, इंक्लूडिंग अगर वो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग या रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, तो उनकी सैलरी की लाइबिलिटी कितनी कम हो जाती है टैक्स की, इक्वल टू 40%। तो उनको सिर्फ शैल बी रिड्यूस बाय अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ टैक्स पेबल ऑन हिज सैलरी फ्रॉम इनकम, तो उनको सिर्फ 60% पे टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो रिड्यूस बाय का मतलब है इतने से कम कर दें, रिड्यूस टू का मतलब है इतना कर दें, तो रिड्यूस बाय की वजह से 40% वो कम देंगे, 60% दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दे दी और इस एक्सरसाइज के बाद हम लेक्चर आज का इंशाल्लाह खत्म करते हैं। टैक्स कंसल्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिसर्चर या टीचर लिख देते हैं। टैक्स कंसल्टेंट, आप बताएं जी कि ये जो आगे आने वाली सिचुएशन है उसमें टैक्स कैसे होगा इन लोगों का। रिम्यूनरेशन पैकेज, यानी कि सैलरी किसी एम्प्लॉय की ऐसी है कि कंपनी रीइंबर्स करती है उनके टेलीफोन के बिल्स एक्चुअल बेसिस पे, तो ये फायदा दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, उनके टेलीफोन के बिल्स दे रहे हैं तो फिर ये उनकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। फिर एक्चुअल खर्चा जो हुआ है एम्प्लॉय का, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस का इज लेस देन एक्चुअल अलाउंस जो उनको पे होती है, यानी कि असल में खर्चा जितना उनको खर्चा दिया जाता है उससे कम खर्चा उनका आता है, तो बाकी अमाउंट जो उनको फायदा आ रहा है बिल्कुल इसको सैलरी में डाल दें बेचारों की। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप कोशिश करें कि आप ये शुरू शुरू में भी करें, मतलब क्योंकि इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे, तो ये शुरू में भी प्रैक्टिस करने वाली है। अपने बुक में इसके जो पार्ट ऊपर के हमने जो शुरू के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनके साथ रेलिवेंट है वो वहां पर मार्क करें ताकि वहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जी रीइंबर्समेंट टेलीफोन एक्सपेंसेस की टैक्सेबल बेनिफिट है क्योंकि ये प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल होती है, ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो अब इसका आंसर हमसे भी ज्यादा अच्छा है कि जितना तो ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, जो अनऑफिशियल प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है उतना आप टैक्स कर दें। तो ये रेफरेंसेस आपने पेपर में नहीं देके आने, ना ही आपको ये याद होंगे, ना ही ये याद करने हैं, उसने इसलिए दिए क्योंकि उसको पता है, वो प्रैक्टिस करता है टैक्स की, जिसने किताब लिखी है इस वजह से उसने बताया कि क्यों नहीं आपने देने। तो ये हमने सेक्शन 13 में हमने भी पढ़ा था कि जो ऑफिशियल कामों के लिए खर्चा होता है वो टैक्सेबल नहीं है, प्राइवेट कामों के लिए टैक्स कर दें। फिर ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस है, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है irrespective of actual amount of expenditure incurred by employee। तो ये इसीलिए उसने पार्ट यहाँ पर डाला है ताकि आपको बता सके कि अगर किसी को TADA बोलते हैं इसको कंपनी में, TADA आपको भी फर्म में TADA मिलेगा क्लाइंट्स पे जाने का, तो आप ये चीज नोट कर लें, ऊपर शुरू के पार्ट्स में लिख लें कि जी TADA अगर किसी को मिले तो जितना मर्जी खर्चा हो, पर्सनल है या ऑफिशियल हो, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये कन्वेंस अलाउंस, जहां हमने कन्वेंस पढ़ी थी, कन्वेंस का अलाउंस तो नहीं पढ़ा था, कन्वेंस पढ़ी थी, वहां पे वैसे मार्क कर लें कि TADA अगर मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। फिर मिस्टर हामिद सिटीजन है, पाकिस्तान के वी प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, तो फजल का क्वेश्चन है कि मिस क्या वो इसलिए TADA एग्जाम्ड है क्योंकि वो CA वालों को मिलता है? तो TADA सब लोगों को मिलता है जी, हर तकरीबन हर कंपनी में TADA होता है, ठीक है, इसलिए एग्जेम्प्ट नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्ट है TADA। बड़ा अच्छी बात है, आपने सवाल पूछा क्यों एग्जेम्प्ट है, इसलिए एग्जेम्प्ट होता है TADA क्योंकि ये सब एम्प्लॉइज का, बजाय कि वो एक्चुअल निकालें कि फलाना इतनी दूर से आता है, फलाना इतनी दूर से आता है, उन्होंने एक एस्टिमेट बेसिस पे सबको TADA दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए दिया होता है कि ऑन एस्टिमेट बेसिस इनका तकरीबन इतना ही खर्चा होगा, बजाय कि हम हर बंदे का एग्जैक्ट निकालें और इतना एक्स्ट्रा काम करें, यानी कि उनको खर्चा निकालने का खर्चा उनका ज्यादा हो जाएगा, उनको एक बंदा रखना पड़ जाएगा सबका खर्चा निकालने का। लेकिन आप ये नोट करें कि जो फर्म्स होती हैं आर्टिकलशिप फर्म्स, वो बहुत कंजूस होती हैं, वो आपके किलोमीटर और माइल्स निकाल के आपको खर्चा देती हैं कि पर किलोमीटर इतना बनता है, गूगल मैप्स पे किलोमीटर निकालो पहले और फिर उनको फ्यूल रेट से मल्टीप्लाई करो, हर किलोमीटर का पर किलोमीटर इतने पैसे में मिलेंगे और वो थोड़े से पैसे बनते हैं, ठीक है, तो वो इतने आराम से TADA नहीं देती। इस पे आपको पता है एक केस भी हो गया था ICAP में, एक स्टूडेंट ने अपनी फर्म पे केस कर दिया था कि इन्होंने मेरा TADA नहीं दिया, और उस बेचारे को क्योंकि फर्म के लोग ज्यादा पावरफुल हैं इस वजह से उस बेचारे को एंड में He had to lose।
वैसे तो मामला इतना छोटा था कि थोड़े से पैसों पे उसको लड़ना भी नहीं चाहिए था, उसकी पूरा करियर तबाह हो गया। तो मिस्टर हामिद पाकिस्तान के सिटीजन है, अर्ली रिटायरमेंट ले ली और उनको 5 मिलियन मिली है ग्रेच्युटी अंडर जी लिमिटेड की ग्रेच्युटी स्कीम। तो क्या ये रिकग्नाइज है, अनरिकग्नाइज है, अनअप्रूव्ड है? ये स्कीम जी अप्रूव नहीं थी एसबीआर की, और कैश कंस्ट्रेंट की वजह से ग्रेच्युटी ने मिलनी तो थी हामिद को, लेकिन इनको मिली नहीं। 30 अप्रैल 2013 को जी प्राइवेट लिमिटेड ने की प्राइवेट लिमिटेड को, अपनी एसोसिएटेड कंपनी को कहा कि तुम ₹5 मिलियन US डॉलर्स में हामिद को दे दो यूएई में, क्योंकि उनको ग्रेच्युटी मिलनी थी हमसे। तो पहला केस ये है कि ये पाकिस्तान के सिटीजन है लेकिन बाहर काम करते रहे, यूएई में काम करते रहे, ये उनको यूएई से पैसे आने थे, ग्रेच्युटी के पैसे थे। फिर ग्रेच्युटी अप्रूव्ड भी नहीं थी एसबीआर की, अनरिकग्नाइज थी, अनअप्रूव्ड थी। तीसरी बात ये, कंपनी ने उनको पैसे नहीं दिए, एसोसिएट ने दिए। तो हमने ये पढ़ा था कि कंपनी बेशक खुद दे, उसकी एसोसिएट दे या थर्ड पार्टी ऑफ एसोसिएट दे, तो ऐसे ही ट्रीट होता है जैसे कंपनी ने पैसे दिए हों। ठीक है जी, तो इसका ट्रीटमेंट हम नीचे जाके पढ़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है, ग्रेच्युटी अप्रूव नहीं है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कितनी होनी चाहिए, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 75,000 जो भी लोअर है, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट आउटसाइड पाकिस्तान की है, ये एग्जेम्प्शन अवेलेबल नहीं है, ये पूरी की पूरी अमाउंट टैक्स हो जाएगी। तो आपको याद है कि हमने अनअप्रूव ग्रेच्युटी स्कीम में 4 और भी एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, अगर वो रेजिडेंट ना हो, अगर वो सिटीजन ना हो, इस तरह की चार पांच चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये वो वाली एग्जेम्पशन उसने अप्लाई कर, वो वाली टैक्सेबिलिटी अप्लाई करती है कि फिर जब ये पैसे आपको बाहर मिलते हैं तो आप इन पे एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पहले ग्रेच्युटी मिल गई है तो पहली ग्रेच्युटी पे लेंगे, फिर बाद में नहीं मिलती। और पेंशन में हमने पढ़ा था कि हायर ऑफ पे मिलती है, जो भी पेंशन ज्यादा अमाउंट की थी उस पे मिलती है, फिर बाकी पेंशन में नहीं मिलेंगी। फिर कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया एम्प्लॉयज को, और इंश्योरेंस कवर रीइंबर्स करता है एम्प्लॉयज को एक्चुअल मेडिकल सर्विसेज के लिए, उनकी और उनके खानदान के जो लोग हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके भी अगर कोई मेडिकल कॉस्ट आती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। तो जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल खर्चे हैं वो हमने पढ़ा था कि वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, इसी बेसिस पर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी रीइंबर्समेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी करती है एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, और कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे एम्प्लॉयज के लिए ऑन पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर की तरफ से। तो आप ये देखें कि एम्प्लॉयज को फायदा ये हो रहा है कि जो प्रीमियम उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी का पे करना था वो नहीं कर रहे, उनकी जगह उनका एम्प्लॉयर कर रहा। तो क्योंकि एक्चुअल मेडिकल फैसिलिटी की रीइंबर्समेंट हमने पढ़ा था, रीइंबर्समेंट हो अगर एक्चुअल कॉस्ट की, हाँ जी इसकी कंडीशन थी वो अटेस्ट करने वाली और वो एनटीएन वाली। तो वो यहाँ पे यही जूम कर रहे हैं कि यार ये कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन आप लोग क्योंकि अभी टेक्निकली इंडस्ट्री में नहीं गए तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली इसलिए पूरी हो रही है कि एम्प्लॉयर तो आपकी जान पहचान की वजह से आपको फिर भी अटेस्ट किए बगैर बिल दे देगा, पैसे दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी तब तक आपको रीइंबर्स नहीं करती जब तक आप एक्चुअल बिल ना अटेस्ट करा के लेके आए और आप ना दिखाएं कि लीगली आपके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एम्प्लॉयर से आप क्लेम कर सकते थे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना फायदा देखेगी। एम्प्लॉयर तो फिर कहता है कि चलो ये बंदा मेरे लिए काम करता है, कोई बात नहीं जाने दो, इंश्योरेंस कंपनी नहीं छोड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक अजम्पशन है, इम्प्लाइड है ये कि उसके अटेस्टेड हैं और वो इन अकॉर्डेंस विद उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैसे हैं। ठीक है, फिर एबीसी लिमिटेड ने स्कॉलरशिप दी है अपने एम्प्लॉयज को हायर स्टडीज के लिए। तो ये जो सिनॉप्सिस जब हम अपने जमाने में पढ़ते थे तो ये सारी चीजें किताब में लिखी होती थी, तो उसने यहाँ पे किताब में आपको डायरेक्टली नहीं बताई। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप सितारे लगा लें कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये करनी है, इसमें आपको बाकी चीजें अगर उसने नगर नहीं पढ़ाई तो वो भी आपकी, और जो चीजें जिस टॉपिक से रेलिवेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट किस से रेलिवेंट है, ऊपर मेडिकल फैसिलिटी की रीइंबर्समेंट से,
ये वहां पर मार्क कर लें कि फलाने पेज पे फलाना पार्ट नंबर मैंने पढ़ना है, ग्रेचुटी वाला ग्रेचुटी के साथ मार्क करें, फिर स्कॉलरशिप वाला क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं है तो स्कॉलरशिप वाला यहीं पे कर लें कि स्कॉलरशिप एम्प्लॉय की एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एसोसिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपस में जानने वाले हैं तो वो तो फिर एक दूसरे के फायदे के लिए टैक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे, लेकिन अगर वो जानने वाले नहीं है, अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को इसलिए भेजा है कि कल ये अच्छी तालीम लेके, अक्सर कंपनीज स्कॉलरशिप्स देती हैं, ट्रेनिंग्स दिलवाती हैं अपने एम्प्लॉयज को ताकि उनकी स्किल्स बेहतर हो जाएं, और फायदा किसको होगा? एम्प्लॉय को नहीं, उस बेचारे को जो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को फायदा हो रहा है, इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं है। मिस्टर ए ने लीज की है गाड़ी और लीज रेंटल्स पे करता है अपने पैसों से, ठीक है, अब वो कार इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो जो लीज रेंटल्स बेचारा पे करता है और जो खर्चा उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस पे आता है, अब वो ऑफिशियल कामों के लिए बेचारा अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और उसके जो लीज रेंटल्स हैं उसके बारे में फिर क्या करें? तो जो एक्सपेंस इनकर कर रहा है वो सैलरी अर्न करने में, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग और लीज रेंटल पेमेंट, ये अलाउड नहीं है, एडमिसिबल डिडक्शंस नहीं है, डिडक्शंस अलाउड नहीं है। हमने ये पढ़ा था बिल्कुल सैलरी के पहले दिन के टॉपिक में कि सैलरी में से आप कोई डिडक्शंस माइनस नहीं कर सकते। तो अब ये उस बेचारे की बुरी किस्मत है कि वो ऑफिशियल कामों के लिए भी खर्चे अपनी जेब से कर रहा है, उसको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर के साथ ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज कराए कि जी आपके खर्चे मैं बेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उतना मेरी सैलरी में से टैक्स भी कटता है और मैं आपके खर्चे भी उठा रहा हूँ, तो आप ये अपने खर्चे अपने खाते में रखें ताकि एटलीस्ट वो मेरी सैलरी के तौर पर ट्रीट ना हो, मुझे उस पर टैक्स बेयर ना करना पड़े। एक पार्टनर है फर्म का और उसको फिक्स्ड मंथली रिम्यूनरेशन मिलेगी, तो क्या ये उसकी सैलरी इनकम होगी? तो जो फर्म के पार्टनर होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अब यहां पर उसको फिक्स्ड इनकम बेशक मिलती है तो वो क्यों फिक्स ले रहा होगा? कि वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे तो सारे निकलवा लेगा प्रॉफिट के, लेकिन उसको शायद टैक्स कम पड़ रहा हो सैलरी पे, प्रॉफिट शेयरिंग पे ज्यादा पड़ रहा हो, तो जो रिम्यूनरेशन फर्म पे करती है अपने पार्टनर को वो उसका प्रॉफिट शेयर है, वो उसका सैलरी नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं है अपनी फर्म का, वो नौकरी नहीं करता, वो ओन करता है बिजनेस को बाकी लोगों के साथ, ओनर है। मिस्टर अजहर 65 साल के हैं, टैक्सेबल सैलरी 943,000 है, हाउसिंग लोन लिया उन्होंने लोकल बैंक से, और फिर आप बताएं कि टैक्स रिडक्शन कैसे होगी सीनियर सिटीजनशिप की, और जो मार्कअप उनके लोन पे होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, और जो मार्कअप उनके लोन के ऊपर है क्या उस पर टैक्स के वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं कि जी इतना मार्कअप मेरा माफ कर दें? तो मिस्टर अजहर जो है उनको 2 टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे, एक तो इस वजह से क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका हमने पढ़ा था ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस्ड होगी 50% से, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि अगर आप साल के पहले दिन में 60 ईयर्स से ज्यादा के हो गए हैं, पूरे साल के लिए आप 60 ईयर्स के लिए थे, 60 ईयर्स के थे, तो आपकी 50% लाइबिलिटी तो खत्म हो जाती है। फिर हाउसिंग लोन का भी हम शायद पढ़ चुके हुए हैं कि जब हमने लोन पढ़ा था कंसेशनल रेट पे कल, हमने पढ़ा था कि वो हाउसिंग पर्पसेस के लिए, तो फिर आप उसके लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट का कि जी ये मार्कअप जो मैं पे कर रहा हूँ, ये मेरे जो खर्चा आ रहा है इस पे आप मुझे क्रेडिट दे दें। तो आप लोगों की नमाज तो मैं लेट करा चुकी हूँ, अब हम ये आखिरी 2 पार्ट्स भी कर लेते हैं कि मिस्टर असलम जो है वो 67 ईयर ओल्ड है, रिसर्च स्कॉलर है, रिकग्नाइज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के, टैक्सेबल सैलरी है 654 की, और वो चाहते हैं कि उनको दोनों टैक्स क्रेडिट्स मिले, एक तो 60 इयर्स का मिले और एक जो वो रिसर्च काम करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको सीनियर सिटीजन का और फुल टाइम टीचर दोनों का अलाउंस मिले। तो फिर इसके जवाब में हम ये कहते हैं कि जो मिस्टर असलम हैं उनको, क्योंकि वो 60 साल से भी ऊपर के हैं और क्योंकि वो सीनियर सिटीजन भी हैं, तो अब ये अप्लाई कैसे करने क्रेडिट? पहला क्रेडिट था कि उनकी 50% से उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और फिर अगला था कि 40% से उनकी फिर टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है।
तो पहले आप 50% लगा लें फिर 40% लगा लें. इन एनी केस 50 और 40 जब दोनों अप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए. जिस भी ऑर्डर में करें आप एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों वैल्यू से इन एनी केस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या शायद आंसर डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, अगर 50% का 40% लें तो वो कुछ और आएगा, और अगर 40% का 50% लें तो बिल्कुल वो कुछ और आएगा. तो आपने इस तरह से 50 और 40 लेने हैं कि उनको फायदा ज्यादा हो, टैक्स में ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर सके. वो कैसे होगा कि पहले आप 50% कर दें उनकी, और 50% का 40% ले लें. ठीक है, 50% का 60% ले लें, क्योंकि 40% से रिड्यूस होती थी. ठीक है, रिड्यूस बाय थी, तो 50% का 60% लेना है, बजाय कि आप उनका पहला 60% निकालें और फिर उसका 50 लें, वो ज्यादा बन जाएगा. ठीक है जी. और फिर आखिरी पार्ट था हमारा, किधर गया आखिरी पार्ट. मिस्टर सरमद ने एक जनरेटर खरीदा जी आजकल बिजली की वजह से 1 मिलियन का, और किस पैसों से खरीदा है, उस इंटरेस्ट फ्री लोन से जो उन्होंने एम्प्लॉयर से लिया था, और ये जनरेटर उन्होंने आगे किराए पे दे दिया 250,000 के अमाउंट से. तो ये उनका कौन सा वाला सिनारियो बनता है, ये वो और ये सिनारियो जाके आपने वहां पर लिखने हैं जहां आपने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, कि अगर आपने कोई लोन लिया एम्प्लॉयर से और उस लोन से आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है या कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे आपको इनकम आना शुरू हो गई है किसी और हेड ऑफ इनकम में, तो यहाँ पर जो किराया है जनरेटर का वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आना शुरू हो गई है उनको, तो फिर हमने इस पे देखा था कि उनको डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं मार्कअप की. तो टोटल एक्सपेंस था 225,000 का रिपेयर ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर पे. तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो इंटरेस्ट फ्री लोन पे हमने पढ़ा था कि आपको बेंचमार्क रेट, जितना आप नहीं दे रहे जितना आप फायदा उठा रहे हैं उतना आप बेंचमार्क रेट पे फिर आपको टैक्स की सैलरी में ऐड करना पड़ता है फॉर टैक्स पर्पजेस. तो एनुअल रेंटल यानी कि उनकी इनकम आ रही थी 250 की, और इंटरेस्ट कितना उनको अलाउड था, 1 मिलियन पे बेंचमार्क रेट था जी 10%. तो 1 मिलियन का 10% अगर हम निकालें तो 1 लाख रुपए का उनका इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा था, और बाकी ये इनका अपना खर्चा हुआ है. तो ये खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में अलाउड है, और ये खर्चा हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई ऐसी इनकम जनरेट करें उस लोन से जो अदर हेड ऑफ इनकम में सैलरी के अलावा जो है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से इनका आ रहा है, तो इतना आप क्लेम कर सकते हैं अपने जो टैक्स ऊपर जो इंटरेस्ट आपने ऐड किया था सैलरी में उतना आप नीचे माइनस कर दें उस हेड ऑफ इनकम में से जिसमें से आपको इनकम आना शुरू हो गया. तो ये नेट ऑफ हो जाएंगे, तो ये 125 का खर्चा आप माइनस करेंगे, 125 का खर्चा आ गया. ठीक है, फिर आखिरी लाइन भी हम पढ़ लेते हैं कि जो WPPF होता है, जो हमने पढ़ा था डिडक्टेबल अलाउंसेस में, एक तो डिडक्शंस अलाउड थी वो ये है. डिडक्टेबल अलाउंसेस हमने पढ़े थे ज़कात, WPPF और WWF. वो हमने पढ़े थे अगर आपने पे किए हों तो आप क्रेडिट क्लेम करते हैं डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर, लेकिन यहाँ पर आपने रिसीव किए हैं तो अगर आपने रिसीव किए हैं तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं. ठीक है जी, इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं कि आज हमने प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट पढ़ी अपनी किताब में, जिन जिन की किताब में सही नहीं लिखा हुआ वो किताब में ठीक कर लें, एनुटीज पढ़ी, सुपर एनुएशन फंड और बेनेवोलेंट फंड पढ़ा, टैक्स फ्री सैलरी का ट्रीटमेंट देखा, अदर बेनिफिट्स देखे कि अगर कोई और बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर फॉरन सोर्स सैलरी ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन है तो कैसे ट्रीट होगी, अगर फॉरन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट है तो वो कैसे ट्रीट होगी, अगर टीचर या रिसर्चर है नॉन रिकग्नाइज्ड, सॉरी रिकग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज का हैवी सा लेक्चर खत्म करते हैं, और जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करें साथ साथ. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़.